दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आप अपने गूगल पे के अंदर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, एकदम नई वीडियो है। YouTube पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे मैं एकदम नई वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से आप Google Pay पे अकाउंट बना लेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आप किस तरीके से Google Pay के अंदर अकाउंट बनाएंगे 2022 में। यहाँ पे जो वीडियो शूट हो रही है ये हो रही है 2 फरवरी पर, ये आप देख सकते हैं 2 फरवरी में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है और गूगल पे को डाउनलोड करना है, ठीक है। गूगल पे इस तरीके से आपको मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। इसे हम इस तरीके से यहाँ ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको नंबर डालना है, अब नंबर वही वाला डालना है जो आपकी बैंक में रजिस्टर्ड है, ठीक है। उस नंबर पे रिचार्ज होना चाहिए SMS वाला, ठीक है। तो चलिए फटाफट से यहाँ अपना नंबर डाल देते हैं। नंबर डालेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपकी अपनी जीमेल आईडी आ जाएगी, ठीक है। वहाँ उसके बाद यहाँ पे एक्सपेक्ट एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। इस नंबर पे एक OTP आएगी, OTP यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है डू दिस लेटर एक्टिवेट माई अकाउंट, ठीक है। बस यहाँ पे आपका जो भी अकाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एक्टिवेट माय अकाउंट, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है अपडेट नाउ, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपडेट नहीं किया है तो आप यहाँ से अपडेट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे अपडेट कर लेता हूँ, अपडेट इस तरीके से हो जाएगा। मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़ योर स्क्रीन लॉक या यूज़ गूगल पिन, ठीक है। तो हम इस तरीके से क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको नीचे वाला सर्च करना है, कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपना कोई एक पिन बना लीजिए, वो आपको डाल देना होगा। जैसे ही आप पिन डालेंगे इस तरीके से ये देखो आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं न्यू पेमेंट का इस तरीके से यहाँ बफरिंग होने लगेगा। अब आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ लिखा है एक्टिवेट बैंक अकाउंट, ठीक है। तो आपको सिंपल से इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपकी जो भी बैंक है, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी, उस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखो इस तरीके से, अब यहाँ पर आपको एक्टिवेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेरीफाई होगा, ठीक है। यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये देखो वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर वेरीफाई आपको हो जाने देना है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं वेरीफाई होने में थोड़ा बहुत समय यहाँ लग सकता है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से एक्टिवेटिंग, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरा बैंक यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बैलेंस भी चेक करूँगा, तो व्यू बैलेंस पे क्लिक करके अपना बैलेंस भी चेक कर लूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अपने यहाँ पे गूगल पे के अंदर अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बैंक को भी ऐड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बैंक को इस तरीके से ऐड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपका पहले से गूगल पे बना होगा या फिर आपकी UPI ID बनी होगी, तो आपको अगर पहली बार आप बनाएंगे, ठीक है, UPI आपका पहले से है, तो आपको यहां पे कुछ और तरीके ऑप्शन खोलेंगे, ठीक है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दी है, उस पे क्लिक करके सीधा उस वीडियो को आप देख लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में विदा लेता हूं, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।